अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो आज मैं अपने गांव जा रहा हूँ, जो कि मुझे कल रिश्तेदारों की कॉल आई थी कि हमारे गांव में सैलाब आया है, तो आपने जो सारी अर्शें लगाई हुई थी ना, वो आपकी सारी बंजर हो चुकी है, तो पानी बहुत चढ़ गया है। तो मैं वो आप देखने के लिए अपने गाँव जा रहा हूँ। यार मेरा बहुत नुकसान हो गया, तो यहाँ से मेरा गाँव तकरीबन 300-400 किलोमीटर बनता है। मैं कराची आया हुआ हूँ, तो कराची से हम जा रहे हैं सीधा ठेड़ी पिंड में, तो वहाँ पर सैलाब आया हुआ है बहुत ज़्यादा। तो जो रिश्तेदार हैं उनकी भी ज़मीनें सारी पानी में चली गई हैं, तो पानी बहुत चढ़ गया है। तो वो देखने के लिए मैं जा रहा हूँ अपने पिंड। तो यार उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया था कि आपने वो जो रुख लगाए हुए थे वो भी सारे डूब गए हैं पानी में, तो कुछ टूट गए हैं, तो इसलिए मैं अपने देखने जा रहा हूँ। ये मैंने न्यू लिया था फूड ट्रक, जो कि मुझे पिंड में बारिशों में पानी में ये मुझे काम देगा। तो यहाँ से आधे घंटे का तकरीबन, आधे घंटे का नहीं, तकरीबन 3-4 घंटे लगेंगे। ये 400 किलोमीटर पर जाएगा। तो यार मेरा नुकसान बहुत हो गया हुआ है, तो वहाँ जाकर आपको मैं सारा चेक करवाऊँगा। तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया था कि आप आ जाओ या मैं संभाल लूँ। मेरे वो उधर कज़न रहते हैं ना, उन्होंने कहा कि आप मत आओ। तो मैंने कहा कि नहीं मैं आऊँगा, लाजमी आऊँगा। यार मैंने चेक करना है कौन कितना नुकसान हुआ है कितना नहीं, तो मिलते हैं तकरीबन आधे घंटे बाद। दोस्तों हम अपने पिंड पहुंच गए हैं, तो ये चेक कर सकते हैं सारे रास्ते गीले हुए हैं। तो जो सैलाब आया हुआ है ना, इसलिए सारे रास्ते गीले हुए हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। तो बहुत नुकसान हो गया, आदमियों का बहुत नुकसान हो गया यार, ये चेक कर सकते हैं। और मेरा भी बहुत नुकसान हो गया है, मैं देख कर अभी आ रहा हूँ, तो आप भी अभी दिखाता हूँ आपको भी। तो ये चेक करें, ये मेरा पिंड है, कितना अच्छा वैसा मेरा पिंड है ना, आप चेक कर सकते हैं। तो बहुत नुकसान, जहाँ ज़मींदारों का बहुत नुकसान हो गया, ये चेक कर सकते हैं आप, कितना सैलाब चढ़ गया हुआ है यार, ये चेक करें। पानी से ही गुज़रना पड़ेगा आपको, मैं दिखाता हूँ अभी, ये गुज़र रहा है पानी में से यार, ये चेक करें। तो बहुत नुकसान हो गया हुआ है, आपको मैं कैसे बताऊँ। तो ये काम मुझे बहुत देर है, ये फूड ट्रक था, ये वैसे तो मैं रॉयल रॉयस लेकर आता ना, तो वो यहाँ पर नहीं कंट्रोल होती, तो इसलिए मैं अपना ट्रक लेकर आया हूँ। तो ये ऑफ रोडिंग है यार, चेक करें सारे रुख शुख टूट गए हुए हैं, ये चेक करें, जंप चेक करें यार, ये चेक करें आगे भी पानी, ये बहुत पानी आया हुआ है। तो गाड़ी हम यहाँ पर खड़ी करते हैं अभी, बल्कि बीच में से ही गुजार लेते हैं, पीछे से निकल आई है तो यहाँ से भी निकल आएगी आगे। अब मैं कैसे जाऊं यार, बहुत पानी है आगे, तो अपनी गाड़ी लेकर ही जाते हैं, तो वैसे तो नहीं गुजरा जाएगा। आप ये देख सकते हैं यार, बहुत नुकसान हो गया हुआ है, सारी सड़कें और फसलें सारी डूब गए हैं पानी में, जो दरख्त थे वो भी डूब गए हैं सारे पानी में, रास्तों का पता ही नहीं चल रहा पानी में। तो चलते हैं अभी अपने फार्म हाउस जाकर सारी डिटेल लेते हैं, जो मैंने बिठाया हुआ है वहाँ पर अपना आदमी, उससे सारी डिटेल लेते हैं, डिटेल लेकर अपनी आपको मैं सारी बातें बताता हूँ। अभी यहाँ से सीधा फार्म हाउस जाते हैं ना, फार्म हाउस से सारी डिटेल लेते हैं उससे। यार बहुत नुकसान हो गया, यार बहुत नुकसान हो गया, कुछ बच गए हैं रास्ते में, जो ये ट्री आपको नज़र आ रहे हैं ये बच गए हैं, ये थोड़े से ऊंचाई पर है ना, इसलिए बच गए हैं। तो ये आ गया मेरा फार्म हाउस, फार्म हाउस पर हम गाड़ी खड़ी करते हैं और यहाँ से चाय शाय लेते हैं, तो पी कर हम आपको अपनी सारी फसलें शसलें दिखाते हैं अपनी सारी। ये मेरा गाँव बहुत खूबसूरत है, आप चेक कर सकते हैं यार, ये मैंने फार्म हाउस बनाया हुआ है, यहाँ मैंने आदमी बिठाए हुए हैं,
जो कि मेरी फसलों की रखवाली करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं यार, कितना अच्छा मेरा पिंड है। और ये ट्री चेक कर सकते हैं, तो तकरीबन दोस्तों ये चेक कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने गाड़ी खड़ी कर दी है, तो यहाँ से हमको जाग कर गुजरना पड़ेगा। तो ये सारी मेरी ज़मीन थी जहाँ पानी चला गया हुआ है, पानी में सारी डूब गई हैं। यार आपको मैं जगह अपनी दिखाता हूँ, यहाँ ये चेक करें, ये आगे मेरी जो है ना सारी फसलें थी सारी डूब गई हैं, तो पानी यहाँ से गुजर गया हुआ है। अभी ये चेक करें आप, सारी ख़राब हो गई हैं यार पानी की वजह से। तकरीबन मेरा 1-2 करोड़ का नुकसान हो गया है। पहले तो मैंने वैसे आपको बताया ना, 3-4 करोड़ मैंने, 3-4 लाख रुपया मैंने लगाया है, तो वो मैंने झूठ बोला है आपसे, तो मेरा 4 करोड़ का नुकसान हो गया है, 4-5 करोड़ का। ये चेक कर सकते हैं, ज़मीन में से सारे जो दरख्त थे वो गिर कर डूब गए हैं सारे। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक एंड सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है यार।